हाय, आप देख रहे हैं बॉलीवुड के किस्से ओनली ऑन द ललन टॉप। तो बॉलीवुड की कौन सी फिल्म हमने आज उठाई है इस वीडियो के लिए, ये आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि यार मज़ेदार किस्से सुनाएं। तो इसलिए पहली बात यह है कि 1 जुलाई 1994 को एक फिल्म आई थी मोहरा, प्योर मसाला फिल्म। इसमें हर वो चीज थी जो एक प्रॉपर बॉलीवुड फिल्म में होनी चाहिए। दो नए हीरो, अपने समय के फेमस तकरीबन आधे दर्जन विलेन, एक हीरोइन, दो धाकड़ डांस नंबर्स, कायदे के ट्विस्ट और टर्न्स और भरपूर मात्रा में एक्शन। ये वो चीज थी जिसके बनते समय ही पता चल जाता है कि भाई आप रेगुलर लेकिन कल्ट चीज बना रहे हैं। एक्चुअली राजीव राय डायरेक्टेड इस फिल्म ने अपने रिलीज के 25 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर हमारी टीम के जो मेंबर है श्वेतांक, उन्होंने मोहरा की मेकिंग के कुछ मजेदार किस्से आपके लिए निकाले। तो पहला किस्सा है, लीड हीरोइन की डेथ के बाद रवीना को मिला था मौका इस फिल्म में काम करने का। इस फिल्म का आइडिया राइटर शब्बीर बॉक्सवाला को जिम में बैठे बैठे आया था। कहानी पूरी होने के बाद फिल्म की कास्टिंग शुरू हुई। फिल्म की लीडिंग लेडी के लिए प्रोड्यूसर गुलशन राय और डायरेक्टर राजीव राय की जो पहली पसंद थी वो श्रीदेवी थी, लेकिन श्रीदेवी तब सलमान खान के साथ फिल्म चंद्रमुखी में व्यस्त थी, इसलिए मना कर दिया। इसके बाद कांटा घुमा ऐश्वर्या राय की तरफ, लेकिन ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड की तैयारियों में व्यस्त थी तो उन्होंने भी मना कर दिया। थक हारकर मेकर्स ने फिल्म में सेंसेशनल दिव्या भारती को साइन किया। फिल्म की 5 दिन शूटिंग करने के बाद दिव्या भारती के साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें उनकी डेथ हो गई। अब मामला फंसता नजर आ रहा था। फाइनली फिल्म के लिए रवीना टंडन को अप्रोच किया गया। रवीना का मानना था कि इस फिल्म में फीमेल कैरेक्टर के लिए कुछ खास नहीं है, इसलिए वो ये फिल्म करने से हिचकिचा रही थी, लेकिन बाद में उनकी हाँ के बाद फिल्म का काम चालू हो गया। दूसरा किस्सा, जब अनिल कपूर ने अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी को ताना मारा था। ये उस समय की बात है जब सनी देओल, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर जैसे एक्टर्स हर तरह की फिल्मों में फिट कर दिए जाते थे, और अगर वो एक्शन फिल्म हुई तो बस माशाल्लाह। तब अक्षय कुमार एक आध सफल फिल्मों के साथ स्ट्रगल ही कर रहे थे और सुनील तो एकदम ही नए थे। राजीव राय को इस फिल्म के लिए एक लंबा हीरो चाहिए था जो एक्शन करने के साथ साथ नाच भी ले। अक्षय इस क्राइटेरिया में फिट लगे और फिल्म में ले लिए गए। राजीव के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म से सुनील शेट्टी का फिल्म डेब्यू होने वाला था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो पाया। उस मामले को कॉम्पनसेट करने के लिए राजीव ने सुनील को इस फिल्म में मौका दिया। इस कास्टिंग को देखने के बाद अनिल कपूर ने राय पर कमेंट किया। उन्होंने एक जर्नलिस्ट से बात करते हुए कहा, सनी देओल और जैकी श्रॉफ नहीं है क्या जो एक हीरो की जगह राय ने अपनी फिल्म में दो दो नॉन एक्टिंग 50% हीरोज को साइन कर लिया? ऐसा अनिल ने इसलिए कहा था क्योंकि राय की पिछली दो सफल फिल्मों में सनी देओल और जैकी श्रॉफ ने काम किया था। फिल्म की कास्टिंग से जुड़ा एक और फन फैक्ट ये भी है कि मोहरा वो पहली फिल्म थी जिस पर अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिकड़ी ने पहली बार साथ काम किया था। तीसरा किस्सा, 102 बुखार में रवीना टंडन ने शूट किया था टिप टिप बरसा पानी। जी, जिस गाने को देखकर 25 साल बाद भी पब्लिक का दिल खुश हो जाता है और हर बारिश के मौसम में ये गाना एक ना एक बारी तो जरूर ही बजता है, उसे शूट करते समय रवीना टंडन को 102 डिग्री बुखार था। हुआ ये था कि इस फिल्म की शूटिंग गोवा में एक जेल में हो रही थी। वहाँ पानी बरसने जैसी हालात नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए तय ये हुआ कि पानी का टैंकर लाकर आर्टिफिशियल बारिश कराई जाएगी। शूटिंग शुरू हुई, पानी में भीगकर नाचती रवीना बुखार से तप रही थी। हर बार ब्रेक होता, रवीना खुद को सुखाती और फिर से उस बर्फीले टैंकर के पानी में भीगकर नाचती। जिस पर रवीना को फिसलना था वो फ्लोर इतना रफ था कि उनके घुटने छिल गए थे, पांव में कील चुभ गया था, लेकिन वो डांस करती रही पूरे एक्सप्रेशन और केमिस्ट्री के साथ। इस गाने की शूटिंग के दौरान किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये गाना इतना आइकॉनिक हो जाएगा जितना कि वो है, लेकिन रिलीज के बाद ये गाना रवीना की पहचान बन गया। अगला किस्सा, तकरीबन 30 साल पुराने गाने को फिल्म में इस्तेमाल किया गया था। कौन सा था ये गाना? पूनम झावर नाम किसी ना किसी को तो याद होगा ही आप में से। ना कचरे की धार ना मोतियों के हार, ये वाला गाना सबने सुना है, और सबसे पहले उनका ही चेहरा, पूनम झावर का चेहरा नजरों के सामने आ जाता है, एकदम सादगी से साड़ी में लिपटी हुई लड़की। लेकिन ये गाना लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी कल्याण जी आनंद जी का बनाया हुआ था। इंदीवर ने इस गाने को 70s में ही लिख दिया था, जिसे मुकेश की आवाज में रिकॉर्ड भी कर लिया गया था, लेकिन जिस फिल्म में इस गाने को होना था वो फिल्म कभी बनी नहीं पाई। इसका इस्तेमाल कल्याण जी के बेटे और फिल्म मोहरा के म्यूजिक डायरेक्टर विजू शाह ने अपनी फिल्म में कर लिया। विजू ने इस गाने के म्यूजिक से कोई छेड़छाड़ नहीं की, बस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और सिंगर बदल दिए।
साथ ही विजू ने इसमें कोरस जोड़ दिया। मोहरा के लिए इस गाने को पंकज उदास की आवाज में रिकॉर्ड किया गया, लेकिन ओरिजिनल वर्जन भी कुछ कम अमेजिंग नहीं था। मोहरा वाला वर्जन तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि मुकेश की आवाज में YouTube पर मुकेश ना कजरे की धार सर्च करके सुनिएगा और बताइएगा कि ये कैसा लगा। अगला किस्सा, जब रवीना टंडन के साथ नाचते नसीरुद्दीन शाह असहज हो गए थे। क्यों? कुल्लू मनाली से किसी और फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद रवीना तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त गाने की शूटिंग के लिए मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो पहुंची। मुंबई की गर्मी में उनकी हालत बिगड़ गई। वो गाने की शूटिंग करते करते बीच में ही बेहोश होकर गिर गई। डायरेक्टर ने कहा शूटिंग कैंसिल कर देते हैं, लेकिन सेट पर आए डॉक्टर ने बताया कि ऐसा कुछ सीरियस मामला नहीं है, शूटिंग की जा सकती है। आधे घंटे में रवीना शूटिंग के लिए तैयार थी। फिल्म में इस गाने का एक फीमेल वर्जन भी था जिसे कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। अच्छा, इसे नसीरुद्दीन शाह और रवीना टंडन पर फिल्माया जाना था। नसीर ने फिल्म में मेन विलन बिजनेसमैन जिंदल का रोल किया था। गाने की शूटिंग शुरू हुई और नसीर अनकंफर्टेबल होने लग गए। वो डायरेक्टर राजीव राय से पूरे गाने की शूटिंग के दौरान यही कहते रहे, राजीव क्या क्या करवा रहे हो मुझसे। जब भी गाने के बीच ब्रेक होता तो नसीर को रवीना से बात करने के लिए टॉपिक ही समझ नहीं आता। इस दौरान वो रवीना टंडन से इंटरनेशनल मसलों के बारे में बात किया करते थे। अगला किस्सा, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त जो गाना है वो सत्यजीत रे की फिल्म से लिया गया था। जब जब मोहरा की बात होती है इसका म्यूजिक प्राइमरी और कॉमन टॉपिक होता है। फिल्म में एक और डांस नंबर था जिसकी वजह से रवीना टंडन को मस्त मस्त गर्ल से जाना गया। गाना था तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मिलेनियल्स इस गाने के लिरिक्स को फूहड़ और भद्दा मानते हैं, खासकर चीज शब्द से बहुत ही स्त्री विरोधी बताया जाता है, क्योंकि इस गाने में किसी फीमेल की बात हो रही है और इस शब्द का इस्तेमाल। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि इस गाने का जो रेफरेंस है वो सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी से लिया गया था। रवीना टंडन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस फिल्म में एक सीन में लखनऊ के नवाबों वाली जो तहजीब में सईद जाफरी अपने चेस पार्टनर संजीव कुमार से कहते सुनते हैं कि अमा यार तू बड़े कमाल की चीज़ है। यहाँ से इस गाने के लिरिक्स इंस्पायर्ड थे जो आनंद बख्शी ने लिखे थे। तो ये थे मोहरा की मेकिंग के तमाम किस्से जो हम आपको बताना चाहते थे। हमारे बॉलीवुड किससे कि इस पेशकश आपको कैसी लगती है ये ज़रूर हमें बताएं कमेंट्स में लिखकर, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।